अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी साइंस लेवल 3। पेज नंबर है 23। यूनिट नंबर 3 लिविंग ऑन अर्थ। यूनिट नंबर 3 लिविंग ऑन अर्थ। लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, ईट और टेक इन फूड, फील, ब्रीद एंड reproduce. Non living things cannot do any of these things. Movement, all plants and animals move. तमाम जानवर जो हैं और plants जो हैं वो move करते हैं. Plants जो हैं वो थोड़ा सा move करते हैं, मतलब वो ऊपर को बढ़ते हैं, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनके जो पत्ते होते हैं और फूल होते हैं वो हरकत करते हैं. द पेटल्स ऑफ द मॉर्निंग ग्लोरी ओपन. नेक्स्ट है एनिमल्स यूज़ देयर लेग्स टू मूव टू सर्च फॉर फूड. एनिमल्स जो हैं वो अपनी लेग्स को यूज़ करते हैं किस लिए, खुराक की तलाश के लिए या फिर अपने दुश्मनों से भागने के लिए. एनिमल्स जो हैं वो विदाउट लेग्स क्रॉल, वो रेंगते हैं, जिनकी लेग्स नहीं होती हैं वो रेंगते हैं और स्लाइड बाय मूविंग देयर बॉडीज. सम एनिमल्स हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई. कुछ जानवर जो हैं उनके जो जैसे मक्खी है उनके उसके पर होते हैं और वो उड़ती है. नेक्स्ट है ग्रोथ. आल लिविंग थिंग्स ग्रो. तमाम चीज़ जिंदा चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हैं. दे गॉट बिगर एंड दे चेंज. दे चेंज द शेप एज दे गेट ओल्डर. जैसे कि वो बड़े होते जाते हैं उसी तरह से उनकी बॉडी का जो साइज़ है वो चेंज होता जाता है. बेबी एनिमल्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, फिर वो जब बढ़ते हैं तो वो अपने पेरेंट्स के जैसे नज़र आते हैं. फीडिंग है विदाउट फूड एंड वाटर. लिविंग थिंग्स वुड डाई. अगर खुराक ना मिले और पानी ना मिले तो क्या होता है, लिविंग थिंग्स जो हैं वो मर सकती हैं. सम एनिमल्स ईट प्लांट्स. कुछ जानवर जो हैं वो पौधे खाते हैं, कुछ जो हैं वो दूसरे जानवरों को खाते हैं और कुछ जो हैं वो पौधे भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं. इसी तरह से ही एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ. उनके मुख्तलिफ मुंह होते हैं, मतलब किसी का साइज़ छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी के शार्प टीथ होते हैं. इसी तरह से ही जो परिंदे होते हैं उनकी बीक होती है, मतलब चोंच होती है उनकी, और वो जिससे ईट एंड ऑफन स्वेलो देयर होल फूड, जिससे वो अपनी पूरी खुराक जो है वो खा जाते हैं. बर्ड्स नॉट हैव टीथ. लेकिन जो जानवर होते हैं उनकी जो परिंदे होते हैं उनके दांत नहीं होते हैं. कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनकी जुबान यूज़ देयर टोंग टू कैच फूड. कुछ जो परिंदे हैं एनिमल हैं वो क्या करते हैं, अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक पकड़ने के लिए. फ्रॉग एंड लिज़र्ड हैव लॉन्ग स्टिकी टोंग्स. सम एनिमल्स यूज़ देयर टीथ टू टीयर ग्राइंड एंड च्यू देयर फूड. नेक्स्ट है फीलिंग. एनिमल फील इन डिफरेंट वेज. मोस्ट एनिमल्स सेंस द वर्ल्ड अराउंड देम बाय यूजिंग देयर आइज, नोज, स्किन, ईयर्स एंड टोंग. कुछ जानवर जो हैं उनको पता चलता है कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वो अपनी सभी हिस्सों को, अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं. एनिमल्स यूज़ देयर सेंस ऑर्गन टू सर्च फूड. वो अपनी खुराक को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपनी सेंसेस को और उनको पता चलता है कि डेंजर कहाँ पे है. इसी तरह से प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स बट दे टू कैन फील. उनको भी पता चलता है जब हम पौधों को छूते हैं. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम टच करते हैं तो वो मुरझा जाते हैं. इसी तरह से उनको भी पता चलता है कि मतलब फील होता है उनको भी कि उनकी सेंस जो है वो भी उनको बता देती है कि कोई टच कर रहा है. ब्रीदिंग है. ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स हैव अ नोज. तमाम इंसानों की और जानवरों की नाक होती है. दे ब्रीद इन एयर. वो हवा में. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन. एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. अदर एनिमल्स सच एज बर्ड्स, reptiles and insects produce eggs. In these ways animals reproduce their own kind. Most plants produce seeds. New plants grown from seeds. Some plants can produce baby plants from their stems or leaves. In this way adult plants produce young plants. This is called reproduction. Next habitats. जहाँ पे जानवर या पौधे रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं. द टू सर्वाइव एन एनिमल नीड्स फूड. उनको ज़िंदा रहने के लिए खुराक की, पानी की, हवा की और शेल्टर की, साय की ज़रूरत होती है. अ गुड हैबिटेट प्रोवाइड्स ऑल ऑफ दीज दोज थिंग्स. एक अच्छी हैबिटेट जो है, जो अच्छी जगह है, वो इन तमाम चीज़ों से फिल होती है. मतलब इसमें पानी भी होता है, खुराक भी होती है और
उसमें हवा भी होती है। सम हैबिटेट्स आर स्मॉल, कुछ हैबिटेट्स जो हैं वो स्मॉल होते हैं और कुछ जो हैं वो बड़े होते हैं। मुख्तलिफ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं। अ फील्ड इज़ द नेचुरल हैबिटेट फॉर अ रेंज ऑफ लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग बटरफ्लाइज, ग्रास, माइस एंड फ्लावर्स। द प्लांट्स इन अ फील्ड आर अडेप्टेड फॉर ग्रोइंग इन लॉट्स ऑफ लाइट। द एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग इन अ फील्ड टू। दे आर स्मॉल एंड कैन हाइड फ्रॉम लार्जर प्रिडेटर्स सच एज बर्ड्स एंड फॉक्सेस। मैनी ऑफ देम डिग बरोज और लिव अमंग प्लांट्स। इसी तरह से ये लार्ज वाइल्ड एनिमल सच एज लाइन, जो लाइन है उसको अपनी खुराक तलाश करने के लिए खेतों की ज़रूरत नहीं होती है, उसको एक नेचुरल हैबिटेट की ज़रूरत होती है, उस हैबिटेट की जिसमें बहुत ज़्यादा घास हो, छोटे छोटे क्लम्प्स हों और ट्रीज हों और रॉक्स हों, चट्टाने हों। दे कैन हाइड जहाँ जब इनको इन्होंने अपना शिकार करना होता है तो ये क्या करते हैं, खुद को इसमें छुपा लेते हैं और फिर क्या करते हैं अपने हंट देयर प्रे, वो अपने शिकारी का शिकार करते हैं। एनिमल्स सच एज डियर एंड बफलोज, इनका शिकार करते हैं वो, और इनके दांत जो हैं वो बहुत तेज़ होते हैं जिनकी वजह से ये उस शिकार करने में इसकी मदद करते हैं, वो शार्प टीथ। नेक्स्ट है कुछ एनिमल्स हैं जो जहाँ पे रहते हैं, मतलब इनके हैबिटेट्स हैं, उसमें ये हमें बताया गया। नीचे प्लांट्स हैं या एनिमल, प्लांट्स और एनिमल्स दैट लिव इन देम। पोलर रीजियंस, डेजर्ट। पोलर रीजियंस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, पोलर बियर, वोल्फ, इसी तरह से ही नीचे जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने देखनी है। नेक्स्ट है डेजर्ट, डेजर्ट में सहरा में कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, श्रब है, एंटीलोप है, इसी तरह से ही आपने देख लेनी है। नेक्स्ट है सी, समंदर में कौन सी चीज़ें हैं, कॉरल रीफ, फिश, वेल, इस तरह से ही आपने ये देख लेनी है। रिवर्स एंड लेक्स, रिवर्स दरियाओं में और झीलों पर कौन सी चीज़ें रहती हैं, फिश, डक, रीड, इसी तरह से ही ड्रैगन फ्लाई, इसी तरह से ही जो भी चीज़ें हैं वो आपने देख लेनी है। ये जो नंबर जैसे कि यहाँ पे है पोलर बियर, इधर आपने देखना है फर्स्ट नंबर कहाँ पे है और इधर इस पिक्चर में आपको नज़र आएगा ये पोलर बियर है। इसी तरह से ये पेंगुइन है, इसमें टू नंबर आपने देखना है पेंगुइन है, ये पेंगुइन है। इसी तरह से ये सारी पिक्चर्स में इसमें आपको साथ में पिक्चर्स नज़र आएंगी उन एनिमल्स की जो जहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स आर अडेप्टेड बाई द टू द हैबिटेट्स इन विच दे लिव। अडेप्टेशन इज़ द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिवेल्प्ड स्पेशल पार्ट्स दैट हेल्प देम टू फिट इन टू द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम है प्लांट्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, अपनी बका के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। दे हैव अडेप्टेड टू लिव विद ईच अदर एंड इन देयर हैबिटेट्स। दे द लिविंग थिंग्स इन अ पार्टिकुलर प्लेस इंट्रैक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट्स, वेदर, अर्थ, सन, सॉयल, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर। दिस इज़ कॉल्ड एन इकोसिस्टम। इन एन इकोसिस्टम ईच लिविंग थिंग हैज़ इट्स ओन स्पेशल रोल टू प्ले। इसमें इकोसिस्टम में ये होता है कि सभी जानवर जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं और लेकिन सभी अपने अपने किरदार को अदा करते हैं। नेक्स्ट है इकोसिस्टम कैन बी अफेक्टेड इफ़ अ न्यू प्लांट और एनिमल इज़ इंट्रोड्यूस्ड। इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है, अफेक्टेड होता है, असरअंदाज़ होता है इस पर कि जब एक नया पौधा या जानवर जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस होता है। द न्यू अराइवल कैन पुश अदर आउट एंड दिस कैन अफेक्ट द लिविंग थिंग्स दैट डिपेंड ऑन देम। इकोसिस्टम कैन आल्सो बी डिस्टर्ब्ड बाई नेचुरल डिज़ास्टर्स सच एज स्टॉर्म्स, फ्लड्स, fires and volcanic eruptions. इसी तरह से सम एनिमल्स आर एक्सटिंक्ट, कुछ जानवर जो हैं वो नापेद हो चुके हुए हैं। हाउ ह्यूमंस अफेक्ट एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स। ह्यूमंस कैन डिस्टर्ब्ड हैबिटेट्स बाई चेंजिंग दैम। दिस इज टर्न कैन डिस्टर्ब्ड अ होल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैन वेरी इन साइज, दे कैन बी वेरी स्मॉल लाइक अ पडल और वेरी लार्ज लाइक अ फॉरेस्ट। वैन लैंड इज़ क्लियर्ड इन ऑर्डर टू बिल्ड अ हाउस दिस कैन हैव एन
impact on a large number of plants and animals. For example, small animals lost their homes and their sources of food. They need to find food and shelter elsewhere in order to survive. Next, in Pakistan, some animals are in danger of becoming extinct. कुछ जानवर जो हैं वो पाकिस्तान में नापैद हो चुके हुए हैं इस खतरे की वजह से. These endangered animals need our help to protect them. इनको हमारी मदद की ज़रूरत है कि इनको हिफाजत मिल सके. इस पूरे लेसन की बच्चों को अपने डिक्टेशन और रीडिंग करवानी है, और जो आप लोगों को स्कूल से मुतलका नोट्स दिए गए हुए हैं उससे अपने इसकी एक्सरसाइज बच्चों को कंप्लीट करवानी है. थैंक यू सो मच.